गया जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक के रूप में आदित्य कुमार ने सोमवार को योगदान दिया। योगदान देने के बाद एसएसपी आदित्य कुमार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जिले में क्राइम कंट्रोल और विधि व्यवस्था पर मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। एसएसपी आदित्य कुमार ने कहा कि मेरी पहली पोस्टिंग दरभंगा में हुई थी, इसके बाद जहानाबाद सहित कई स्थानों पर एसपी सिटी एसपी के पद पर योगदान देने के बाद हमें गया जिला का एसएसपी बनाया गया। देखिए, आज मैंने यहाँ पे वरीय पुलिस अधीक्षक के रूप में ज्वाइन किया है और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि तमाम तरह के जितने भी आई एम पुलिसिंग हो सकते हैं वो सब मेरी प्राथमिकता प्रथम रहेगी, क्राइम कंट्रोल और विधि व्यवस्था के लिए। और बाकी जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी धीरे धीरे और नई नई चीज़ें आती रहेंगी उनके हिसाब से प्रायरिटीज भी चेंज होती रहेंगी। सर, कुछ विशेष प्राथमिकता लेके आए होंगे गया के लिए, क्योंकि गया सबसे विशेष पूरे बिहार में के देश के लिए है, या वीआईपी मूवमेंट से लेकर आतंकवादी हमला नक्सली हमला, तो उसके लिए क्या विशेष कुछ ऐसा प्राथमिकता आपके आधार पर होगा? जैसे यहाँ के जो सूचना तंत्र है हमेशा बाहरी पुलिस आकर यहाँ के तंत्र को देखती है, कई बार ऐसे देखने को मिला जब आतंकवादी गिरफ्तार हुआ, तो ऐसा कुछ ऐसा प्राथमिकता होगा? कोशिश करेंगे हम लोग इस बार कि सब यहीं से हम लोग डेवलप करें, नई नई टीम्स बना के, और सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसको भी हम लोग पूरे क्रियान्वयन के साथ प्रोहिबिशन को भी उसमें लागू करना है। और जहाँ जहाँ दिक्कतें हो रही हैं क्राइम कंट्रोल में या कहीं भी विधि व्यवस्था में या जो भी इश्यूज हैं, या हम लोग उसको टैकल करेंगे, नई नई चीज़ें देखते हैं कि आप लोगों के सपोर्ट से, पब्लिक के सपोर्ट से, आप लोगों के माध्यम से। मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति हैं जिनको अपनी कोई बात रखनी है, कुछ भी रखनी है, तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं या मैं कभी भी ऑफिस में आके मुझसे बात की जा सकती है। सर, बॉर्डर एरिया है, शराब माफियों का एक सबसे बड़ा अड्डा है और सबसे ज़्यादा शराब का जो अवैध कारोबार का खुलासा होता है तो इसी इलाके में होता है। भी मगध रेंज का जो इलाका है औरंगाबाद गया, उसके लिए कुछ खास तैयारी? सर, अभी मैं पता करता हूँ, एक बार स्टॉक टेकिंग लेता हूँ पूरे जिले की, वहाँ पर क्या इशूज हैं, सब लोगों से ऑफिसर से बात करके, मेरी एक बार टीम से मुलाकात नहीं हुई है, सब लोगों से एक बार मिलकर कहाँ पर क्या दिक्कत है उस हिसाब से रणनीति बना के।